अनु जी जी, वैसे आपको नहीं लगता था कि आपको इस शो में नहीं होना चाहिए था? क्यों? इतना पाप लगेगा ना आपको, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठी हूँ जज की सीट पे, और कॉमेडी शो है, तो ये होना चाहिए था कि कोई कॉमेडियन बैठता मेरे साथ। आप सिंगिंग शो करते हो, मतलब स्टंट वाले शो करते हो, भाई इतना भी क्या पैसे की ज़रूरत है कि कॉमेडी वाला भी कर लिया? अच्छा, कोई बहुत बड़ा लोन लिया है क्या? अच्छा अच्छा जी भारती, तू अपनी रोटी संभाल, मैं अपनी रोटी संभालता हूँ। सुनो यार भैया, भाई हमको के बिरयानी का शौक नहीं है, हम दाल चावल वाले आदमी हैं। और देखिए क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी दाल को अपनी रोटी पर खींचना जानता हूँ। एक बार फिर हंसना। भाई गुंजन, वो रामलीला के लिए रावण बोल रहे थे ना, तो उनको बोलो अनु जी का नाम कर दे। अरे भारती, तू मुझे बोलती है रावण बाहर बरसता है सावन, अनु मलिक यही टिका रहेगा, लोगों का होगा आवन जावन, क्या समझे? ये बोल। अरे क्या बोलू अनु जी, शुरू तो होने दो, फिर देखना आपको कैसे ये धूल चटाते मेरे स्टैंड अप वाले। अच्छा और क्या, नहीं तो अच्छा अच्छा। भारती, जिस स्कूल में तू पढ़ती है ना, उसका मैं हेडमास्टर हूँ, सुनते जा। जिस स्कूल में तू पढ़ती है उसका मैं हेडमास्टर हूँ। और सुन भारती, आगे भी सुन ले तू, बोल मत बीच में। जिस स्कूल में तू पढ़ती है उसका मैं हेडमास्टर हूँ। माना कि तू तेज बोलती है, मैं थोड़ा फास्टर हूँ, समझे कि नहीं? सर थोड़ा नहीं, बहुत फास्टर है, आपकी ब्रेकें फेल है पता। अरे ब्रेक फेल नहीं है, ब्रेक को ठीक करना भी आता है, नाटक मत कर। ए, तू बुला अपने अखाड़े से, हम अपने अखाड़े से बुलाने वाले। देख लेना सर, आपको पता है कि ये दो ग्रुप है, अनु जी के अखाड़े से और भारती की सेहत के हिसाब से, भारती की तबेले से। तो जो मेरे तबेले में धरुंदर बैठे है ना भैया, उनको बुलाती हूँ मैं अनु जी। अच्छा बुलाओ, पसीना पोंछना आपको, बुलाओ बुलाओ, पहले तुम्हारा पसीना मेरे धुरंधर पहुंचे के बारे में बुलाओ ना, तुम्हारे तबेले से कौन है। तो चलिए प्लीज वेलकम स्टैंड अप के सुपरस्टार बलराज सयाल, मनन देसाई, अभिजीत और मेरे फेवरेट जीवाजू। चैनल ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे बोलते थे कि भारती आप स्टैंड अप वालों की मतलब लीडर है, उनको सपोर्ट करना है, और लड़के लड़के हैं सारे। आपको पता है बाकी इस बार सारे शोज में देखा कि मैं लड़कों को कितना पसंद करती हूँ, आते ही जैसे मैंने मनन को देखा ना, मैंने डबल पैसा लिया और नहाने का साबुन भी। मैं कहा जितनी बार ये टच करेगा उतनी बार नहाऊंगी। क्यों मनन, ये तो छिलवा ही दूंगी इस बार तो। क्या रनु जी कैसे लगे, एक से बढ़कर एक? खुल गया भारती तेरे तबेले का थैला नहीं से दरवाजा। अभी ठहरो, हमारे धुरंधर आने वाले हैं फ्रॉम अखाड़ा। अरे मेरे धुरंधर सर आओ तो मेरे पास। कचिच, कचिच, कचिच। वैसे आपकी फेवरेट है ना मोना, बोलिए ना। मेरे तो सब फेवरेट है, किस बात का रोना धोना जब हमारे शो में है मोना। अरे वाह, तो चलिए अनु जी फटाफट गाने बना लेते हैं। तो आज इतनी मीडिया है, अनु जी आपको एक वर्ड देती हूँ, उस पर फटाफट अभी की अभी गाना बना दो। नहीं, अगर आप देंगे तो बोलेंगे प्लान था। अच्छा, फटाफट गाना बनाना है ना। चलो तो ये जो मीडिया वाले उनको बोलो वो वर्ड दे, मैं बताती कौन देगा। ये मेरी भाइयों जैसी सहेली, मेरी भाइयों जैसी सहेली, ये चक्कर ही होता है, तो बोले का प्लान था। हाँ ये सब चक्कर है, कोई मानता नहीं है। हाँ नहीं नहीं, तू भी देगा तो लफड़ा होगा, मेरा अखाड़े का ना। कोई मीडिया से दे दो, चलो कि पूरा सेंटेंस दे दो। सर वो भी मीडिया से, वो पान थोड़ी बेचने आई है। बेटा ये वर्ड है, पूरा सेंटेंस दो, संगीत बनाना कोई खाने का काम नहीं है। कॉमेडी की बारिश, देखा मेरी सहेली। और आगे कोई वर्ड जरा जोड़ दो, कॉमेडी की बारिश। कॉमेडी की बारिश होने वाली है, ये लीजिए। हाँ बोलिए, कॉमेडी की बारिश। हाँ और ट्रक वाला ठुक गया। क्या बात है, तुझसे ये एक्सपेक्टेड था मुझे। तुझसे ये आप कितने उदास बैठ रहे, ऐसे लगता आप ठुक कर आए। कॉमेडी के बारे ट्रक वाला ठुक गया। सर कैसे ताली बजाएंगे, कैमरे फेंक हाथ से गिर जाएंगे फिर। वैसे अनु जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, आप तो सर म्यूजिक डायरेक्टर के सुपरस्टार निकले। लेकिन सर थोड़ा सा पसीना आ रहा है, ये देखिए एक से बढ़कर एक अलग अलग चेहरे। हाँ जी, ये मत समझो आपके चेहरे करेंगे ये पहरे, ये हमारे अखाड़ा है, हंगामा करने वाले लोग हैं, हमारे अखाड़े के लिए भी ताली बजाइए। तो चलिए फिर, अखाड़े और तबेले से लोग आ गए हैं, देख रहे तबेले वाले ठीक ही लग रहे हैं।
जैसा नाम है वैसे ही है। हाँ क्या बात है। देखिए हमारे पास YouTube के दो सुपरस्टार हैं इंटरनेट के, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आज मैं अपने आप को बहुत सर प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ मेरी टीम में आप हैं। मतलब वाट लगा देंगे इनकी, लगाएंगे ना भाई 500 में आपको ज़्यादा दिलवाऊँगी इधर से, ठीक है। अभिजीत जी मैं वाकई आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतनी दूर क्यों, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी टीम है, करो गले लगो। हाँ जी अनु जी आप तो मिलाइए आपकी टीम में, आइए सेल्फ इंट्रोडक्शन। पहले राजेश जी जो आधे मंच से यहाँ पे खड़े हैं, पहले मोमिन कुछ बोल। ये मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं नहीं अपनी आवाज में नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चन साहब आए हैं आज कॉमेडी दंगल में, तो वो कैसे बोलेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, देखिए ऐसा है कि जो कॉमेडी में जो दंगल है, कॉमेडी का दंगल, आज यहाँ पर जबरदस्त कलाकार हम लोगों के साथ आए हुए हैं, जो कि आपस में कॉमेडी की लड़ाई लड़ेंगे। आए कॉमेडी की लड़ाई, कॉमेडी दंगल आए। बजाओ ना ताली भाई हमारे मोबिन के लिए। रशि आप बोलिए। सबसे पहले तो अनु जी ने हर चीज पे नए गाने बना देते हैं, इन्होंने मेरा नाम भी नया बना दिया, राजेश और रोशेश को मिला करके राशेश कुछ है। राजेश मेरे भाई रशेश हो या राजेश हो, तेरी कला तो वही है ना, तो अपनी कला की बात कर। तो कला को वापस दिखाने का मौका मिल रहा है, और अनु जी की टीम में हूँ मैं, एंड इतने खूबसूरत लोग हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं, सो लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू हैपन इन ऑन द मंच ऑफ दंगल, एंड आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग डेफिनेटली इसको बहुत ही पसंद करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी स्पीच देते राजेश साहब, ये मैं इसलिए ये नहीं बोला, मैं खाली नाम बोलने के लिए बोला। जैसे कि मेरे भाई राजेश ने कहा कि बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो इन नहीं वीआईपी भाई, नहीं सुनो आप दोनों को हक ही नहीं अपनी आवाज में बोलने का। परेश रावल जी बताइए कैसा लग रहा है कॉमेडी दंगल में आके। अरे देवा ये राजू मेरा छाती तोड़ा रे, रख तेरी तो रख, ये माँ का बाप का दादा का सबका कॉमेडी करेगा मैं वीआईपी, माँ कसम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जैसे मेरे भाई ने राजेश ने कहा कि सब सुंदर खूबसूरत लोग हैं, तो इन सुंदरता के साथ में एक नज़र का टीका भी साथ में खड़ा हुआ है। अब खूबसूरत के पास जाना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ अनु जी ने कहा है सिर्फ नाम बोलना है, तो मेरा नाम है लवीना टंडन एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर एंड विद ऑल दीज पीपल, सो विश अस ऑल द लक, थैंक यू। सिर्फ नाम बोलना है तो फिर फॉर ऑल ऑफ यू देवीना बैनर्जी हियर, फॉर यू देवीना हियर, और मेरा और एक स्पेशल टैलेंट है, जब बिना स्क्रिप्ट के मैं हिंदी बोलती हूँ वो प्लीज़ आप लोग झेल लीजिएगा, और मैं हिंदी में ही बोलूँगी। तो जैसे इनके मतलब मैं मुझे इनसे थोड़ी मैं इंस्पायर्ड हुई, ट्रक वाला ठुक गया से, ट्रक वाला ठुक गया, और हमारी कॉमेडी देखकर आपका दुख भी फूक जाएगा। वाओ हेलो माई सेल्फ मोना लिसा। हेलो सर, को पता है मोना हाय कहो और बोल कैसे आओ। मैं तो यही कहूँगी मोना का रोना सबने देख लिया, अभी हंसाऊंगी। हाँ कैसे सब हंसेंगे और बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे अभी। मोना का धोना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होएगी इन अनु मलिक लैंग्वेज। यस यस। चलिए गुंजन, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप 2 सेकंड में अपना खत्म कर लेंगे। बस मेरा नाम गुंजन उत्रेजा है, और मैं आपको बता दूं कि अनु जी को हमारे में से किसी का नाम याद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दो, खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सर आई लव यू सर, बट यू नो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी इन हिज टीम। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनु मलिक सर। आपके अंदाज में अनु जी से थोड़ी थोड़ी शायरी सीख ली है, और हम आपको बता दें कि सोमवार के बाद आता है मंगल, अनु जी की टीम ही जीतेगी कॉमेडी दंगल। वाह, मंगल के दिन जीतेगी, सैटरडे संडे हम जीतेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आपके सर अखाड़े के सारे पहलवानों से मिला दिया, अभी अपने तबेले से पहले लड़की को चांस दूंगी मैं। जैमी अच्छा क्या नाम है आपका भाई? गुंजन, नाम नहीं आता गुंजन, कौन सा यूज करता है तू? मंजन
बड़ी दूर से खुशबू आ रही है, क्या बात है. आई लव एम यार, आई लव माई अखाड़ा, यू लव योर तबेला. चलो कुछ करें हंगामा. हाय एवरीवन, मैं हूँ जैमी लीवर और मैं भारती जी की टीम में हूँ और हमारी टीम तो ऐसी तगड़ी टीम है कि दंगल तो हम ही जीतेंगे और आप सबके लिए. हाय, मेरा नाम अभिजीत गांगुली है और मैं भारती जी के तबेले में हूँ. बचपन से सपना था मेरा कि मैं भारती जी के तबेले में होऊंगा. लाइफ के कुछ अलग डिसीशंस हो गए तो इसीलिए आज यहाँ पर. बट काफ़ी लोगों काफ़ी यहाँ गावा तो मैं सकता नहीं हूँ ऐसे. इनफैक्ट वो जब गा रही थी खुद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है अभी. बट चलो अच्छा गाया आपने और मैं बस यही बोलूँगा कि हाँ हम तो स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे और हम करते आए हैं तो वही करेंगे. बस देखते हैं फिर, और उम्मीदें जीत जाना चाहिए क्योंकि मतलब उनकी टीम तो बस राइम ही करती रहती है ऐसा लग रहा है. तो एक इंसान ऐसा था ही नहीं जिसने राइम नहीं किया कुछ भी. तो हमारी USP ये है कि हम राइम नहीं करते हम सिर्फ कॉमेडी करते हैं. चलिए सर. मेरा नाम जिवेश है. हम टैलेंटेड हैं. थैंक यू. बोलो भैया, हैप्पी जवाब दो. बहुत टैलेंटेड. बेटी अगर तुम टैलेंट हो, मैं समझता हूँ कि भाई संगीत में कैसा अभिजीत नाम से मुझे लगता है कि भाई इसे गाना चाहिए, कॉमेडी देखनी चाहिए. कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा आवाज़ भी उनकी निकाली जो अपने बेटे को नहीं चला पाए, तुमको क्या चलाएंगे वो. हाँ देखो भारती जी को लंच के बारे में बहुत चिंता हो रही है पर मेरा नाम है मनन देसाई और मुझे मैं बहुत ही ऑनर्ड और अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं भारती जी की टीम में हूँ, उनके तबेले का एक भैंसा हूँ. बट मैं यहाँ पे भारती जी के लिए आया हूँ बिकॉज आई रियली लव हर एंड आई अप्रिशिएट हर. भारती जी सिर्फ आपके लिए मैंने शो किया ये. तू इनका स्टाफ तो नहीं है? क्योंकि हमको तो चैनल ने बुलाया पैसे दे के. भाई मेरी शादी हो रही है, आपको भी पता वही गुजराती है ना? मैं भी गुजराती हूँ. तो मैं मुझे गुजराती ढोकला खाना, सड़ा हुआ ढोकला थोड़ी. खैर मनन मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे साथ ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं. मस्ती थी ना भाई, कि सच में प्यार करते हो? नहीं क्यों, पीछे जाके बता दो, आ जाओ. खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम में एक से बढ़कर एक लोग हैं. अभी लो जी. हाय आई एम बलराज एंड आई होप इस शो के बाद मुझे आपको अपना नाम नहीं बताना पड़े. और बस जैसे भाई ने बोला कि हम लोग स्टैंड अप वाले हैं तो टैलेंट कम्स टू अस नेचुरली. एंड हम लोग वो फौजी हैं जिनको हमारी माँ बोलती है बेटा तू अकेला ही काफ़ी है, तो हम अकेले ही आएंगे. वी डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज. बोलो 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 बोलो. बस सो दैट्स इट. थैंक यू. आप तो पूरी इंडस्ट्री को लेके चलते हो अपने गले में. वो तो है. नहीं माँ ने कहा था कि बेटा परिवार के साथ रहना, कभी अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले की ताकत कुछ नहीं होती है, ताकत होती है हमारी सबकी एकता की. यस. और माँ कसम चुन चुन के पंच मारेंगे, चुन चुन के बलराज हमारे. भाई अकेले मत आना मोनाली. कॉमेडी में तो मतलब हर कोई स्पॉन्टेनियस होता है, कॉमेडी में हर कोई स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हमारे पास म्यूजिक में भी स्पॉन्टेनियस है. ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है. तो चलिए थैंक यू सो मच. तबेले वाले भी हैं और अखाड़े वाले भी. शो शो होता मनन, म्यूजिक हो या कुछ भी हो, आवाज है कान भी है. अभी तू देखते जा, तेरा तबेले का जो अखाड़ा अखाड़ा जो करेगा ना तेरा चेहरे का, देखते जा तू. इससे पहले कि अनु जी भड़क जाए. नहीं नहीं किसी के सर पे मार दे. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. I love every comedian. They make the world laugh. क्या बात कर रहे हो? अरे I love all of you. वही बात की सर मैंने. क्या बात. चलिए एक बार हमारे सारे superstars के लिए तालियां बजा दीजिए. Thank you so much for coming. आप हैं तो हम हैं. Please इस शो के बारे में अच्छा अच्छा छापिएगा. आप हैं तो हम हैं, इसलिए हमारे अखाड़े में दम है. तो सारा ही कॉमेडियन के बारे में छापिएगा. सिंगर लोग तो आते रहते हैं. अरे आते रहते जाते रहते हैं और वही दुनिया के लिए उनकी तकलीफ दूर करने के लिए गाना गाते रहते हैं. और एक एक ऐसा बनाइएगा क्वेश्चन मार्क जरूर रखिएगा कि अनु मलिक शो में क्यों, कॉमेडी शो. देखो नीचे बताइएगा. अनु मलिक इसलिए शो में है कि सारी जनता को पसंद है,
ईस्ट और वेस्ट, अनु मलिक इज द बेस्ट। कैसे सर खुद की तारीफ कैसे? बस ऐसे ऐसे। खैर हमको बहुत मजा आने वाला है। एक एक मिनट, 15 मिनट पहले इनको करने देते हैं। बस हो गया, बस इतने में इतना ही मिलता है। ठीक है, अच्छा हम बहुत खुश हैं और एक एपिसोड दो एपिसोड शूट कर चुके हैं। अनु जी के साथ इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है सच में। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं डर रही थी कि चलो मैं तो कॉमेडियन हूँ और अनु जी एक म्यूज़िक फील्ड से हैं तो मुझे बताना पड़ेगा उनको कि ऐसे ये वो इसका मतलब ये, पर ये तो सीखे सिखाए हैं भाई आप तो, मतलब काफ़ी ट्रेंड है। आपके साथ और ट्रेनिंग मिल रही है, मजा आ रहा है आपके साथ। आल्सो एंजॉयिंग विद भारती, सीरियसली ऑन अ गुड सीरियस नोट, इट्स अ फैंटास्टिक शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज़ ऑफ एन टीवी एंड थैंक यू सो मच ऑप्टिमिस्टिक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट शो, नॉट ओनली इंडियाज बेस्ट शो। सच में, और अनु जी इतने अच्छे हैं ना, मतलब मेरे को इतना टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसी तारीफ करनी पड़ती चैनल ने कहा वरना गुस्सा कर जाते हैं, करते रहते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द कॉमेडियंस, स्पेशली जॉनी भाई इज डॉटर्स राइट हियर, आई लव अवर वर्क। बाकी तो मैं जानता नहीं हूँ, बाकी लोग तो बहुत अतरंगी, ये इसको देखा बोला जी इज फैंटास्टिक, बट इनको तो देखूंगा। बट आई एम सो प्राउड ऑफ हैविंग यू हियर, यू आर जॉनी भाई इज डॉटर एंड आई रिस्पेक्ट जॉनी भाई, बहुत काम किया साथ में। अच्छे अच्छे सर, गुंजन इनके पापा भी जेल में हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़े फैमिली से हैं, उनका भी नाम होगा जब वो बाहर आएंगे, है ना गुंजन? कैसे हो गुंजन, करें इंटरव्यू शुरू करें, भूख लग रही, खाना लगा हुआ मुझे पता है, है ना? फोटो करने, ठीक है मैम, चलिए चलिए। आपको देखा है स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, दूसरे जजेस आपको जज करते थे, इस बार आप खुद दूसरों को जज करेंगी, तो हाउ इज इट्स एक्सपीरियंस, दो एपिसोड भी शूट हो चुके हैं, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक यू नो, क्योंकि हाँ मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि रेमो सर का भी डांस प्लस शुरू हुआ है तो उन्होंने कहा एक लेवल अप, तो एक लेवल अप एंड वालों ने सुन लिया, कहते एक लेवल अप करते हैं, तो भारती को जज बना दिया। और ऐसा नहीं है कि सब नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंड अप में, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इंटरनेट के बादशाह हैं, कुछ टी वी के बादशाह हैं, तो सब सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सोच समझ के उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ मनन देसाई ऐसे कर रहे हैं, तो मनन देसाई सबसे बड़े सुपरस्टार, ठीक है भाई बोल दिया, तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। और मुझे डर भी लगता है कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी होगी, देखिए जी आपने वहाँ पे हंसी नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत मस्ती करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं सबके लिए, ताकि जितना बूस्ट हो उतना वो अच्छा करें, क्योंकि मुझे पता है मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ स्टेज पर, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ वहाँ पे बैठ के स्माइल दूंगी या पॉइंट्स दूंगी, मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मैं इस शो में जज भी हूँ, एंकर भी हूँ, क्योंकि हम अपनी अपनी टीमों को बुलाते हैं, और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। और होप सो कि आपको, वैसे तो कभी ग्रुप में आपने देखा परफॉर्म करते हुए किसी के साथ एक्ट में या कुछ, पहली बार एन टी वी पे कॉमेडी दंगल पे आप मुझे स्टैंड अप करते देखेंगे, डर भी बहुत लगता है कि इधर वाले बोली ना दें, अरे इधर खुद तो इससे हो नहीं रहा, हमको क्या नंबर देगी, तो मुझे खुद मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और बस गले की वाट लगी आपने देखा ही है, थैंक गॉड मैं कोई सिंगिंग वाली नहीं हूँ वरना निकाल देते मुझे। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दूसरी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अनीता हसनंदानी, पूजा, फिर अपनी सुंदर सी लड़की, क्या नाम है, टंडन, लवीना टंडन, राजेश जी हैं, मुबीन जी हैं, वी आई पी जी हैं, जी जी देखो कितने जी हैं, और भारती जी उधर हैं, बस ओके। अनु मलिक जी हैं और वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है जज करना, एक सिंगिंग फील्ड से आके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो सब तो समझ में आता है, लेकिन नहीं नहीं वो कैसे समझ में आता है, नहीं भाई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, अनु जी जज किया है, वो भी स्टंट वाला शो है तो वो कोई स्टंट मैन नहीं थे। बट अनु जी, जैसे मेरा एक पंच भी था कि अनु जी बाकी शोज में भी कॉमेडी करते हैं, इस बार बता के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, खैर इतने स्पॉन्टेनियस हैं, हम लोग टीवी पे देखते थे तो हमको लगता था इसी गाने फटाफट लिख के बोले होंगे बना देते, यहाँ पर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी किसी ने उनको वर्ड दिया तुरंत उस पर गाना बना दिया, जो हम पे हमें भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट वो वाकई म्यूज़िक डायरेक्टर के सुपरस्टार हैं, उनके साथ इतना फ़न होता है बैठ के, इतनी मस्ती करते हैं, अरे भारती तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, तू उधर क्यों नहीं जानती, ये खानती भानती शांति, इतनी राइम बना देते हैं, और कोई और होता शायद मैं बोर हो जाती, लेकिन अनु मलिक जी हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा है कि हंस हंस के मुँह और सर दुखने लग जाता है। दो अलग टीमें हैं, किस तरह का ये दंगल होने वाला है?
मतलब ऐसे तलवारें लेकर आएंगे, बाल खींचेंगे एक दूसरे के, ऐसा कोई दंगल नहीं है और ना ही कोई किसी ने लंगोट पहना होगा, क्योंकि बीच में लड़कियां भी तो अच्छा नहीं लगता, और कोई रेत नहीं होगी, ना ही कोई तबेले का गोबर होगा। कॉमेडी का दंगल है, ठहाकों का दंगल है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी कॉमेडी शो चलते सब चलने चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में और जो इतना कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस है, तो जितने भी कॉमेडी शो हों उतने ही कम है। और एक ये NTV का पहला कॉमेडी शो है नॉन फिक्शन, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये होगा, और आप सबकी दुआएं हैं कि आप सब देखते रहिए और बस अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए। ये मत लिखना कि भारती के गाउन का कट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा टांग दिख रही थी, ये बहुत एक दूसरे की जाएगी, मतलब मस्ती है, फुल धमाल है, बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। डिप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी कपिल जी किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, मैं पिछले 12 एपिसोड से उनके साथ हूँ। और हाँ, थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है, क्योंकि वो अपनी फिल्म शूट कर रहे थे फिरंगी, तो बैक टू बैक था कि फुल रात उधर करते थे शूट, फिर दिन में आके ये करते थे। कोई भी एक बंदा अगर 40 दिन ये लगातार करेगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, मेरी भी। मैं 4 दिन से शूट कर रही हूँ, मेरा गला बोलते बोलते बंद हो जाता है। कपिल भाई एकदम ठीक है, मैं 10-12 एपिसोड कर चुकी हूँ उनके साथ, और क्योंकि ये सेम स्लॉट पे है 9 बजे, वो भी 9 बजे, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। होप्सो कि ये ख़त्म होने के बाद वहाँ जाऊँ, और होप्सो कि ये ख़त्म ना हो और बढ़ता जाए, अगला सीज़न तुरंत आ जाए, ये करती रहूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और बस खाना लग गया है, आप जाइए प्लेटें पकड़िए और राजमा चावल डालिए। थैंक यू। कॉमेडी दंगल है, यहाँ पर भारती जी की टीम है, भारती का तबेला, एंड अन्नू जी की टीम है जिसमें सारे स्किट आर्टिस्ट होंगे, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, बस ये एक आप हेल्दी कंपटीशन बोल लीजिए, बट कॉमेडी ही कॉमेडी होगी। हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एंटरटेन करें, पर्पस वही है कि एंटरटेन करना है आपको। लेकिन मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम में हूँ, तो एक एक करके हम स्टैंड अप कॉमेडियंस आपको एंटरटेन करना चाहेंगे, करेंगे, और हर एपिसोड में एक थीम होगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, इट्स गोना बी फन। हाँ जज हैं, लेकिन फिर ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, मतलब वो भी परफॉर्म करेगी करेंगी और आपको एंटरटेन करेंगी, तो हर एपिसोड में भारती जी का तड़का तो होगा ही, बट साथ साथ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम एंटरटेन करेंगे। हाँ, आप कह रहे थे म्यूज़िक, हाँ अन्नू मलिक जी आ गए हैं, अन्नू मलिक जी के टीम लीडर है, बट इट बी फन, क्योंकि अन्नू जी बहुत मज़े लेते हैं और ह्यूमरस हैं, और आप देखिए उनके जिससे शायरी वो बोलते हैं, इतनी ह्यूमरस शायरी होती है, कहाँ किस कौन सा वर्ड कहाँ जोड़ देते हैं आपको पता ही नहीं चलता, ही इज़ वेरी फनी, तो मज़े लेते हैं, और इट्स गुड कि वो हैं हमारे शो में, एक अलग तड़का आएगा म्यूज़िकल, और मैं भी बहुत म्यूज़िकल हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्ट्स में म्यूज़िक को डालूं, और आशा जी को लाऊं, और किसी लता जी को लाऊं, और कैलाश खेर को लाऊं, और कुछ दूं मैं अपनी तरफ से तड़का। मेरी ऑब्वियसली मैं स्टैंड अप कर रही हूं जैसे मैंने कहा, और मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, तो मेरे परफॉर्मेंसेज में मिमिक्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे मैं आशा जी की मिमिक्री करती हूँ, और श्रीदेवी की मिमिक्री करती हूँ, फराह खान की मिमिक्री करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे स्टैंडअप में ये सारे कैरेक्टर्स आएँ, तो अकेले तो मैं करूँगी, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स को मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ। हाँ, ये तबेला है, अखाड़ा है, क्योंकि ये एक युद्ध है, एक हेल्दी फाइट है, बट सिर्फ एंटरटेन करना है आपको, तो ये फाइट है, लेकिन पर्पस है आपको हंसाना। आप ज़रूर देखिए हमारा शो NTV पर, कॉमेडी दंगल जो आएगा सैटरडे संडे, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, मैं अनु जी की टीम से हूँ, मैं हूँ अखाड़े से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जैसे आपने बताया ये कॉमेडी शो है, तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट कॉमेडी शो, बट हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट नॉन फिक्शन कॉमेडी शो, तो यहाँ नो रीटेक्स, नथिंग, जो भी है इट्स गोइंग टू बी राइट ऑन द स्टेज, सबके सामने, लाइव ऑडियंस के सामने, सो या आई एम एक्साइटेड एज वेल एज आई एम नर्वस, एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज़ मेरी जो
रुकैया बेगम वाली इमेज है वो शायद ब्रेक हो जाए इससे और लोगों को दिखे कि मैं हंसा भी सकती हूँ सिर्फ रुला नहीं सकती. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर बिकॉज बहुत सालों से मैं भी काम कर रही हूँ बट इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एक स्टेज पर रहना एंड एवरीबडी इज़ सो टैलेंटेड सो एक्साइटमेंट नर्वसनेस सब एक साथ हो रही है सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड इमोशन. हाँ जी हाँ जैसे हम अनु जी की टीम से अनु जी तो नहीं परफॉर्म करने वाले बट यस भारती इज़ द क्वीन ऑफ कॉमेडी सो आई डोंट नो कॉम्पिटिशन वाइज मुझे नर्वसनेस होगी या नहीं बट आई बी वेरी एक्साइटेड टू सी हर बिकॉज एज एन ऑडियंस आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ भारती. मुझे बहुत ही अच्छी लगती है स्पेशली वो लल्ली जो मैं ट्राई करती हूँ उनकी एक्टिंग करने की तो आई बी वेरी एक्साइटेड टू सी हर लाइक दैट. एंड यार कंपटीशन तो चलता ही रहता है. बेस्ट पार्ट ये है ये शो का कि हम यहाँ मज़े करने आए हैं और हम अपने टैलेंट से लोगों को हंसाने आए हैं सो एंड आई एम श्योर वो ऐसा हो बिकॉज दैट्स व्हाट आवर मोटिव इज सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यस मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी अब तक मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया रुलाया और गुस्सा दिलाया बट अब मैं यहाँ पर हंसाने आई हूँ. सो प्लीज़ प्लीज़ 12 अगस्त से कॉमेडी दंगल स्टार्ट हो रहा है सिर्फ एन टीवी पर. इट्स सैटरडे एंड संडे 9 PM सो प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखिएगा और हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा. थैंक यू. जी जी बहुत बहुत ज़्यादा दंगल होने वाला है एकदम और ये कुछ अलग तरीके का दंगल है. इसमें मतलब ये है कि दंगल में आपको कितना बड़ा लाफ्टर आप ले सकते हैं कितनी बड़ी हंसी आप ले सकते हैं कितना ज़्यादा हंसा सकते हैं और ये कंपटीशन स्टैंड अप कॉमेडियन और स्किट वालों के बीच में है तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा. आपको फ्लेवर बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसमें और जो इंटरनेट के भी जो आर्टिस्ट आए हैं यूट्यूब के वो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं कुछ अलग मुद्दों पर बातें कर रहे हैं और स्किट में भी आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं अलग अलग गेटअप में आऊँगा कभी फिल्म एक्टर कभी काम वाली बाई कभी लड़की कभी लड़का कभी बच्चा तो इस तरह से बहुत सारे फ्लेवर हैं शो में और सेट तो आप देख ही रहे हैं कि कमाल का है तो बहुत मज़ा आने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा. अभी भारती जी जैसे अनु जी मतलब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को हर लाइन को मतलब कोई भी गाना बना देते हैं बहुत ज़्यादा स्पॉन्टीन्यूस है भारती जी कॉमेडी में स्पॉन्टीन्यूस है तो ये दोनों की नोकझोंक चलते रहती है. फिर हम लोग बीच बचाव में आते हैं बार बार उनको छुड़ाते हैं कभी हम लोग उन पर पंच मार देते हैं अनु जी पर कभी भड़क जाते हैं कभी प्यार से उसका जवाब देते हैं तो बहुत मज़ा आते रहता है. और शो के बीच में भी हम लोग इस तरह की चीज़ें करेंगे चलते शो में हम लोग पंच मार देते हैं एक दूसरे के ऊपर अनु जी उसका जवाब देते हैं फिर हम लोग उस पर जवाब देते हैं बहुत मज़ा आता है. वैसे तो मैं अनु जी की टीम में हूँ लेकिन स्किट कर रहा हूँ स्टैंड अप मेरे एक्ट में शुरू में मैं स्टैंड अप करता हूँ बाद में स्क्रिप्ट में जुड़ जाता हूँ बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ा. अभी जो दो एपिसोड हम लोगों ने किया है कुछ अलग ही शूट हुआ है बहुत मज़ा आएगा आप लोगों का. बिल्कुल हाँ हाँ बहुत बहुत अलग मज़ा आ रहा है. वो हम लोगों का नाम लेकर इंट्रोड्यूस करती है हमें बुलाती हैं और हम लोग चलते एक्ट में उनकी टांग खिंचाई भी करते हैं जो कि मतलब बहुत पहले की आदत है तो मज़ा आता है बहुत पहले का प्यार है तो हम लोग काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं. अब जैसे पहले भी मैंने शोज़ किए तो जो सामने जो लोग बैठे होते थे उन पर ज़्यादा बड़ी बातें मैं नहीं बोल सकता था लेकिन भारती जी के साथ जो इतना पुराना रिलेशन है हम लोग उनको कुछ भी बोल दो बहुत ही अच्छे से लेती हैं बहुत प्यार से बहुत मज़ा आ रहा है. मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि ये शो एक बहुत ही अलग शो है. वन लाइनर कॉमेडी मिलेगी आपको एक एक लाइन पे हंसी मिलेगी बड़े बड़े लाफ्टर मिलेंगे और फ्लेवर मिलेंगे पूरी दुनिया के हर चीज़ इस शो में ज़रूर देखिए बहुत मज़ा आएगा. क्या बात सर इनका जो है इंटरव्यू हमारा नहीं होगा भाई कितनी देर से आप लगे हुए हैं भाई आप फेमस ज़्यादा भाई नए लोगों को कब कब चांस मिलेगा भाई 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 मैं देख नहीं नहीं इनको भी देख लो ये देखिए भाई मैं ये इनके बारे में मैं बता दूं ये बहुत बड़े अननोन आदमी है जिन्हें अब आप जान जाएंगे क्योंकि ये कॉमेडी दंगल में आ गए हैं और इनका नाम गुंजन है. गुंजन नाम सुन के बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है ना बड़ा प्यार सा ऐसे फील करो यहाँ पे. नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते. हाँ तो ये गुंजन जी है और गुंजन जी भी अभी हमारी स्किट टीम में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने शूट किया है नेता जी भी बने एक एपिसोड में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग एक ही टीम में हैं तो हम लोग भी यस. नहीं ऐसा नहीं है देखिए हम दोनों सेम अखाड़े से ही हैं. हम लोग अखाड़े से हैं. हाँ हम दोनों अखाड़े से हैं. वो तबेले वाले दूसरे हैं. आप तबेले वाले शक्ल से आपको पता चल जाएंगे कि वो तबेले वाले ये चीज़ है. भारती जी एज अ
यार भारती इज द बेस्ट तबेले में कॉमेडियन. दूध बहुत ज्यादा होता है. अब भारती जी को जज लिया है तो भाई जो इतना दूध पचा सके उसको ही जज लेंगे. उसको जज लेंगे नहीं, बट भारती एक्चुअली जो है उन्हें जज लिया है. मुझे लगता है कि उन्हें बहुत पहले जज किसी ना किसी शो में बना देना चाहिए था, क्योंकि उनमें इतना टैलेंट है. और मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पे सिर्फ जज ही नहीं है, वो हर एपिसोड में परफॉर्म भी कर रही हैं. तो लोगों को जो है वो डबल डोज ऑफ भारती मिलेगा एज अ परफॉर्मर ऑल्सो एंड एज अ जज ऑल्सो. ये थैंक यू. नर्वस से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जब भी मैंने कुछ नया अटेम्प्ट किया है तो नया करने की जो खुशी होती है, नई चीज़ करने की जो खुशी होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो आई एम रियली 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 एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर मी. एक्चुअली मुझे लगता है कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, क्योंकि आप बस अकेले बहुत देर तक पता नहीं हंसा नहीं पाओगे अनटिल अनलेस इट इज़ होमवर्क. हाँ, मतलब एकदम होमवर्क किया हुआ है दिमाग में कि मुझे ये बोलना है. पर एक्शन रिएक्शन इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग. तो जब आप बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोगों के साथ खड़े हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कॉमेडी. तो आई थिंक मेरे लिए भी नया कुछ होगा सीखने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जब आप करते हो उसके बाद आप बेटर एक्टर बनते हो. तो इसके बाद एक मैं बेटर कॉमेडियन बनूंगी. आई थिंक उनके वो क्योंकि दूसरी टीम में है, दूसरी टीम के जज है, तो उनको खुश करना मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. उसके लिए अपना लिमिट ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और ज़्यादा पुश करने से मैं ही ज़्यादा बेहतर होंगी. सो इट इज़ ऑलवेज़ द अदर वे राउंड, एंड इट इज़ ऑलवेज़ एक्साइटिंग टू सी भारती इन वॉट एवर शी डज़. और धीरे धीरे भारती ग्रेजुएट करते करते आज जज बन गई, तो उनकी निगरानी में हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे. वो अपने में ही बहुत फ़नी है, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक अलग ही टेंजेंट में चलता है. तो आई थिंक ये सब कुछ का मिश्रण हो के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. जैसे ट्रक वाला ठुक गया, ट्रक वाला क्यों ठुका मुझे ये नहीं पता, ट्रक ठुक जाता है और ट्रक वाला अपने ही ट्रक के सामने खड़ा था कि वो ठुक गया. उनको लेके फिर गाना भी बना दिया. सो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली फ़नी, और उनके टीम में रह के और भी बड़ा मज़ा आएगा. और बिकॉज वो उसमें जो नेचुरल कॉमेडी का टैलेंट है, सिंगिंग रियलिटी शो जो अब तक उन्होंने किया है वहाँ पे ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ है. अभी खुल के उनका कॉमेडी का टैलेंट ही एक्सप्लोर होगा, सो विच आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर हिम एज वेल एज द ऑडियंस. यही कहना चाहूँगी कि हमेशा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और हमेशा अलग अलग चीज़ किया है. सो जिस तरीके से हमेशा प्यार दिया है उसी तरीके से प्यार देते रहिए, और कॉमेडी दंगल देखिए, प्लस संतोषी माँ भी देखिए, और कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग मी. आई लव यू. मैं यही बताना चाहूँगी, कॉमेडी जॉनर मेरे लिए एक टोटली डिफरेंट जॉनर है. मैं पहली बार कॉमेडी ट्राई करने जा रही हूँ, और फिल्म्स में तो ऐसे बहुत मैंने किया है कॉमेडी फिल्म्स एज अ हीरोइन, बट वहाँ पे अलग होता है. वहाँ पे आपके शूट होती है, कट होता है, चलो रीटेक्स एंड ऑल एवरीथिंग. बट अभी इस बार पहली बार मुझे स्टैंड अप ऐसे करना है, जजेस के सामने करना है. बट हमारी जो टीम है, मैं अन्नू मलिक जी के टीम से हूँ, तो हम लोगों का टीम वर्क रहेगा. हर टाइम कोई ना कोई डिफरेंट मेरे साथ पार्टनर्स रहेंगे, तो हमारी वो टीम वर्क दिखेगी एंड सब हंसेंगे, सिर्फ हंसेंगे. भारती जी के सामने तो मतलब सिर्फ हंसती रहती हूँ, और मैं वो भी मुझे मतलब उनके लिए मैं एक कॉमेडी हूँ. मतलब हमेशा वो हंसती है मुझे और कॉमेडी करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलने रखती है. और सही में ये कॉमेडी करना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि लोगों को हंसाना आज के दिन में इट्स रियली डिफ़िकल्ट. तो उनके बारे में जितना बोलूँ कम है. अनु मलिक सर, उनके उनको मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ. आई थिंक ही इज़ अ पैकेज, ही इज़ एन एंटरटेनर. मतलब हर चीज़ में वो कुछ भी कभी भी मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, वो तुरंत बोल देते हैं कुछ मुहावरे, कुछ शेर व शायरी करने लगते हैं. तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर हम या सिंगर हम ऐसे जानते हैं, लेकिन
एक्चुअल में वो इज़ अ पैकेज आई कैन से. सो मैं ये कहूँगी कि आप लोग मुझे पहली बार इस अवतार में देख के बहुत खुश होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये एक टोटली डिफरेंट है मेरे लिए, चैलेंज भी है. और आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए. थैंक यू. देखिए कॉमेडी दंगल है, और आप सबका सवाल जो है कि अनु मलिक क्यों इसमें, सबसे बेहतरीन मोमेंट मेरा आज था जब भारती ने सबके सामने कहा कि मैंने सोचा अनु मलिक क्यों, और फिर मुझे सबके सामने कहते कि अनु मलिक के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, अनु मलिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दो एपिसोड हो चुके हैं, तो पीपल हैव लव द परफॉर्मेंस, स्किट्स बहुत अच्छे हैं. 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, गाने भी गाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, महमूद भाईजान को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ. आई डोंट नो, जब एन टी वी का फ़ोन आया कि अपना ऑप्टिमिस्टिक्स के वहाँ से फ़ोन आया कि आप ये शो करें, मैंने बोला कौन सा शो, बोला कॉमेडी दंगल विद भारती के साथ आप जज रहेंगे. मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं जनता के सामने एक नया अनु मलिक लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने म्यूजिकल शोज बहुत जज किए हैं, अब ये देखिए कि मैं किस तरह करता हूँ, कॉमेडी किस तरह करता हूँ. बिल्कुल. और अचानक ये लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अभी देखो ना कोई सेंटेंस दे देगा, बोलो इसी पर गाना बना दो, मैं बना देता हूँ, और मस्ती करते हैं, म्यूज़िक भी होगा, शायरी भी होंगे, दोनों में नोकझोंक भी होगी, तकरार भी होगी, वो तबेले की बात करेंगे, मैं अपने अखाड़े की बात करूँगा, हंगामा होगा. मैंने जैसे बोला कि एच ओ डब्ल्यू हाओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, बहुत अच्छा किया, आओ मेरे पास आओ, तो पीपल लव ऑल दिस. तो इसके अलावा मैं स्क्रिप्ट को समझता हूँ, डायलॉग्स को समझता हूँ, तो दूसरे शोज़ के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस शो को आगे कैसे लेके जाए. और ये शो का रिएक्शन इतना अच्छा आ रहा है दैट पीपल आर वेटिंग टू वॉच कॉमेडी दंगल. बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उसको कॉमेडी करते करते जजमेंट है कि ये एक्ट कहाँ जा रहा है. और मेरे बगल में बैठती है, वो मेरी बैंड बजाने की कोशिश करती है, मैं उसकी बैंड बजाता हूँ, लेकिन नोकझोंक बहुत अच्छी है और दिल साफ है हमारा. ऑडियंस मैं इतना कहना चाहता हूँ, यू हैव टू वॉच कॉमेडी दंगल, इट्स अ शो दैट विल मेक यू लाफ योर सॉक्स ऑफ, यानी कि अपने सॉक्स जो है ना, नहीं समझे, क्या पहनते हो जूते, जूता पहनने से पहले वो ही उतर जाएंगे, इतना हंसोगे, लेकिन इतना एंजॉय करोगे हमारे परफॉर्मेंस को, भारती को, और समझ गए कौन.